दृष्टि आई एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख इफ पी एम केयर्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं यह ऑडियो आर्टिकल जी पेपर पी सेकेंड के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं पी एम केयर्स वर्सेज एन सुप्रीम कोर्ट और आर कानून के आईने में हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि इंग्लिश मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस जनित महामारी से निपटने के लिए बनाया गया पीएम केयर्स फंड खासा विवादों में है पहले आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस फंड की जानकारी मुहैया न कराने से इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएम केयर्स फंड की राशि को एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज करने पर यह खबरों में है दरअसल अभी पिछले ही दिनों सी पी आई एल यानी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नामक गैर सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की अर्जी के जरिए गुहार लगाई गई कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में जो भी राशि दान की गई है उसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए ताकि महामारी से लड़ने में उसका इस्तेमाल हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों ही फंड की प्रकृति अलग है और सरकार जरूरत के मुताबिक फैसले लेने के लिए आजाद है इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पीएम केयर्स फंड को लेकर दायर किए गए तमाम आवेदनों में भी इसके संबंध में सूचना देने से इनकार कर दिया था प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि पीएम एम केयर्स फंड सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है ऐसे में सवाल ये है कि एक ऐसा फंड जो सरकार की देखरेख में काम करता हो वह सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत क्यों नहीं आता फिर सवाल यह भी है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो पीएम एम केयर्स फंड और एन को एक दूसरे से अलग करती हैं इन तमाम बहसों से चिंता इस बात की है कि इस फंड की पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी जिसका जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया है हालांकि कई संकेत ऐसे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक अथॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष की तरह पीएम केयर्स फंड को भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के कारण यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा है आइए आज इन्हीं पहलुओं पर बात करते हैं सबसे पहले पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं दरअसल पीएम केयर्स फंड यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड शुरुआती दिनों से ही विवादों में रहा है मार्च 2020 में जब इसकी स्थापना हुई तब से ही इसके निर्माण और संचालन पर सवाल उठता रहा है सवाल यही कि जब आपदाओं में मदद के लिए 1948 से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मौजूद है तब इस नए फंड की क्या जरूरत थी फिर जब आर के तहत इसके गठन और काम करने के तरीकों की जानकारी मांगी गई, तब प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया कि यह कोई पब्लिक अथॉरिटी यानी सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है ऐसे में इसकी पारदर्शिता और कथित भ्रष्टाचार बहस शुरू हो गई बात इससे आगे बढ़ी और मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया पीएम एम केयर्स फंड की राशि को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की याचिका दायर की गई मगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी याचिकाकर्ता का कहना था कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 46 के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में दान की रकम जमा करने की व्यवस्था है तो फिर कोरोना से लड़ाई के लिए मिलने वाले दान को पीएम एम केयर्स फंड में जमा क्यों करवाया जा रहा है याचिकाकर्ता का कहना था कि पीएम केयर्स फंड का गठन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है इस फंड को बनाकर सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की है इसलिए आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से दान में मिलने वाली रकम एनडीआरएफ के खाते में ही जानी चाहिए इस पर सरकार का जवाब था क्योंकि पहले भी ऐसे कई फंड बनाए जाते रहे हैं इसलिए ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है सरकार का तर्क है कि कोरोना जैसी एक विशेष आपदा से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया है एनडीआरएफ जैसा सांवैधिक फंड होने का मतलब यह नहीं है कि वॉलेंट्री डोनेशन के लिए पीएम एम केयर्स जैसे दूसरे फंड नहीं बनाए जा सकते इस नए फंड से एन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हालांकि एक सवाल यह भी था कि अगर पीएम एम केयर्स फंड सक्रिय रहा तो एन में होने वाले योगदान में कमी आएगी इस पर कोर्ट का तर्क था कि कोई भी व्यक्ति एनडीआरएफ में अपना योगदान दे सकता है वह पी एम केयर्स फंड में दान के लिए बाध्य नहीं है एक और पहलू की बात करें तो सरकार पी एम केयर्स फंड का ऑडिट कैग यानी भारत के महालेखा परीक्षक से कराने के बजाय किसी प्राइवेट ऑडिटर से कराने की बात कह रही है ऐसे में याचिकाकर्ता को संदेह था कि इसमें होने वाली अनियमितताएं कभी भी उजागर नहीं हो सकेंगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की यह बात भी मानने से इनकार कर दिया दरअसल पी एम केयर्स फंड स्वैच्छिक फंड है जबकि एन और एस फंड बजट आवंटन के दायरे में है लिहाजा सांविधिक फंड होने के कारण एन और एस का ऑडिट कैग से करवाया जाता है ऐसे में पीएम केयर्स का बजटीय फंड न होने की वजह से कैग से ऑडिट कराना सरकार ने जरूरी नहीं समझा आइए अब जानते हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया जब पीएम केयर्स फंड की जानकारी आरटीआई के तहत लेने की कोशिश की गई, तब प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना था कि सूचना का अधिकार कानून 2005 की उप धारा टू के तहत यह कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है इसलिए इसकी जानकारी मुहैया नहीं कराई जा सकती दरअसल सूचना का अधिकार कानून 2005 में यह शर्त है कि इस कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों की ही जानकारी मुहैया कराई जा सकेगी उपधारा टू एच के मुताबिक वैसे निकाय को सार्वजनिक प्राधिकरण कहेंगे जिसका गठन संविधान के तहत संसद द्वारा पारित कानून के तहत राज्य विधान द्वारा पारित किसी कानून के तहत या समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या दिए गए आदेश द्वारा हुआ हो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कोई भी अथॉरिटी या संस्थान जिसे सरकार ने बनाया हो या किसी सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए बनाया गया हो उसे सार्वजनिक प्राधिकरण कहेंगे लेकिन सरकार का मानना है कि पीएम केयर्स फंड कोई सार्वजनिक प्राधिकरण ना होकर एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है हालांकि कई तर्क ऐसे भी हैं जो पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण ना मानने पर सवाल खड़े करते हैं सबसे पहला तर्क यही है कि जब सरकार इसका नियंत्रण करती है और पीएम इसके अध्यक्ष है साथ ही देश के गृह रक्षा और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं, तब इस फंड को पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं कहना चाहिए इस फंड के गठन की सूचना 28 मार्च 2020 को वाणिज्य मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के जरिए दी गई थी इससे पता चलता है कि इस फंड पर सरकार का नियंत्रण है दूसरा तर्क है कि पीएम एम केयर्स फंड की वेबसाइट में जी डोमेन का इस्तेमाल होता है जो की आधिकारिक रूप से सरकारी डोमेन है सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक gov.in का इस्तेमाल सिर्फ सात तरह के सरकारी दफ्तर या सरकारी अथॉरिटी ही कर सकती हैं। इनमें है, इन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या पीएम का दफ्तर सरकारी मंत्रालय या विभाग राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के दफ्तर भारतीय संसद न्यायिक निकाय वैधानिक और सरकारी निकाय तथा केंद्र सरकार या संविधान के तहत आयोग या परिषद ऐसे में सवाल यही है कि जब पी एम केयर्स फंड कोई सरकारी फंड नहीं है तो इसके लिए जी ओ वी डॉट इन डोमेन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है तीसरा इस फंड में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया गया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही कर सकती हैं ऐसे में पब्लिक अथॉरिटी न होने की सूरत में यह फंड इन चिन्हों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है चौथा तर्क है कि जब इस फंड को प्रमोट करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया तब यह पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं है इस फंड के गठन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मिशन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस फंड के प्रचार प्रसार की सलाह दी थी ताकि विदेशों से भी फंड आ सके लिहाजा सवाल यह किया जा रहा है कि अगर पीएम केयर्स फंड सिर्फ एक चैरिटेबल फंड है तो इसके प्रचार के लिए सरकारी अफसरों और मशीनरी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इन्हीं सवालों के साथ अब यह सवाल भी किया जाने लगा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को भी पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया जाए बात चाहे पीएम केयर्स फंड की हो या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की दोनों ही फंड में काफी समानताएं हैं इसलिए दोनों के लिए ही एक जैसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं 2007 में तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आर के दायरे में लाने की बात कही थी इसलिए अब लोग इस सवाल को प्रमुखता से उठा रहे हैं ऐसे में सवाल है कि, कि किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए बात चाहे आर के तहत जानकारी की हो या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सभी का मकसद इस फंड की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है एक ऐसा फंड जिसमें देश के नागरिकों का पैसा जमा हो उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग स्वाभाविक भी है लेकिन सरकार द्वारा कोई भी जानकारी साझा करने से लगातार इनकार करने के कारण मामला तूल पकड़ता जा रहा है हालांकि पीएम केयर्स फंड के गठन को इस नजर से भी देखा जाना चाहिए कि कोविड 19 एक जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी महामारी है जबकि एन प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऐसे में पी एम केयर्स की राशि को एन में ट्रांसफर न करने की बात को उचित ठहराया जा सकता है फिर पीएम केयर्स फंड के गठन पर भी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर पारदर्शिता की कवायद की बात करें तो सरकार ने इस बारे में सभी आर आवेदन को खारिज कर दिया है दरअसल पी केयर्स फंड को लेकर चिंता सिर्फ कानूनी आधार या सी ए जी ऑडिट न हो पाने भर की नहीं है चिंता इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवालों को लेकर है दरअसल आर टी आई अनुरोध से यही समझने की कोशिश है कि इस फंड में धन कैसे प्राप्त किया जा रहा है और उन्हें कैसे वितरित किया जा रहा है इसकी एक वजह यह भी है कि एन के धन को नियमतः राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है लेकिन पीएम केयर्स फंड के लिए ऐसा कोई प्रावधान अभी तक सामने नहीं आया है यह एक चिंता की बात इसलिए भी है कि पीएम केयर्स के गठन के बाद से इसमें अरबों की राशि जमा हो चुकी है जबकि एनडीआरएफ या प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि बहुत ही धीमी गति से जमा हो पा रही है यह समझने की जरूरत है कि पारदर्शिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम पहलू है और यह विधि के शासन का आधार होता है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस फंड से संबंधित सूचनाओं को नागरिकों से साझा करे ताकि सिस्टम में किसी भी अपारदर्शिता की गुंजाइश को खत्म किया जा सके तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल सूचना का अधिकार कानून 2005 के मुताबिक सार्वजनिक प्राधिकरण किसे कहते हैं इससे संबंधित चिंताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए